अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जैसे नेम से इंडिकेशन हो रही है, कार्डियो हार्ट से रिलेटेड है। ग्राफी जो एक ग्राफ पेपर के ऊपर एक लाइंस की प्लॉटिंग होती है, और इलेक्ट्रो से मेन जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट के अंदर हो रही है। इम्पल्स जनरेट होती हैं, इम्पल्स सारे जो चैम्बर्स हैं हार्ट के उसके अंदर स्प्रेड होती हैं। तो अगर उन चैम्बर में किसी किस्म की अबनॉर्मेलिटी हो तो ये इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रॉपर स्प्रेड नहीं हो पाती। तो ईसीजी टेस्ट के ज़रिए ये पता चलाया जा सकता है कि हार्ट के किस चैम्बर में कौन सी प्रॉब्लम है। अब ये आपके सामने क्रॉस सेक्शनल है हार्ट का, साइनो एट्रियल नोड, यहाँ से इम्पल्स जनरेट होती हैं और ये एट्रिया के अंदर स्प्रेड होती हैं, फिर ये एट्रोवेंट्रिकल नोड में जाती हैं, वहाँ से फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ये आगे ये बंडल ऑफ हीज में जाती हैं, और फिर वहाँ से ये डिफरेंट ये परकिंजी फाइबर जो हैं इधर चली जाती हैं, और इस तरह ये वेंट्रिकल की वॉल्स में स्प्रेड कर जाती हैं। अब ये इसके अंदर ये नीचे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि किस इवेंट के अंदर कौन सा लाइन ड्रा होती है। अब जैसे ये इम्पल्सिस निकलती हैं ये ऐसे नोड के से, ये जो ये वाला पोर्शन दिखाया गया है ये एट्रियल एक्साइटेशन को इंडिकेट किया गया है। अब ये जो इधर लाइन ड्रा हुई है तो यहाँ से इम्पल्सिस अभी जनरेट हुई हैं, निकली हैं, तो ये लाइन उसकी ड्रा हुई है। ये ग्राफ पेपर के ऊपर जो ईसीजी मशीन होगी उसके अंदर ग्राफ पेपर लगा होता है, उस ग्राफ पेपर के ऊपर ये लाइंस ड्रा होती हैं। अब ये जब ये जो दोनों एट्रिया, राइट एट्रिया, राइट और लेफ्ट एट्रिया, इन दोनों के अंदर ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्प्रेड हुई है, तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये आगे लाइन की सूरत में यहाँ आ गई कि ये उसका जो एम्पलीट्यूड दिखाया गया है, लाइन दिखाई गई है, तो ये ग्राफ पेपर के ऊपर ये लाइन ड्रा हुई है। और फिर जो है ये एक यहाँ से बिगन हुआ है और यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो ये कंप्लीट एक एट्रियल एक्साइटेशन जो है उसकी ये लाइन ड्रा हुई है। फिर उसके बाद ये वेंट्रिकल की तरफ ये इम्पल्सिस चली गई हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, तो फिर ये उसके बाद एट्रिया ने रिलैक्स किया है, यहाँ कंट्रैक्शन हुई है, फिर एट्रिया ने रिलैक्स किया है, तो फिर इस तरह की लाइन आगे ड्रा होगी। उसके बाद फिर ये इसकी कंट्रैक्शन हुई है, वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन, वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन जब हुई है तो ये ज़्यादा पावरफुल होती है, इसलिए इसका वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो ये जो वेव जनरेट हुई है तो ये जो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन है उसमें ये वेव ज़्यादा है। और फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन स्टेज आ जाती है, तो ये एक नॉर्मल कंप्लीट वेव्स ईसीजी की ग्राफ पेपर के ऊपर इस तरह से जनरेट होती है। अब इसमें कोई अबनॉर्मेलिटी आएगी तो ये पता चल जाएगा कि ये इस पोर्शन के अंदर अबनॉर्मेलिटी है, ये कंट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आ रही है, राइट एट्रिया में प्रॉब्लम आ रही है या राइट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह हार्ट के किसी भी चैम्बर में कोई रिलैक्सेशन में कंट्रैक्शन में प्रॉब्लम आएगी तो वो ईसीजी वेव्स की फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। ईसीजी इज द टेक्निक बाय विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर स्टडीड। ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट के अंदर हो रही है वो ईसीजी के जरिए स्टडी की जाती है। द स्प्रेड ऑफ एक्साइटेशन थ्रू मायोकार्डियम प्रोड्यूसेस लोकल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, दिस लो इंटेंसिटी करंट फ्लोज थ्रू द बॉडी विच एक्ट्स एज ए वॉल्यूम कंडक्टर, दिस करंट कैन बी पिक्ड अप फ्रॉम सरफेस ऑफ द बॉडी बाई यूजिंग सुटेबल इलेक्ट्रोड्स एंड रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब ये जो मायोकार्डियम है हार्ट के मसल हैं, तो इनके अंदर लोकल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। अब ये लो इंटेंसिटी करंट ये बॉडी में फ्लो करता है जो कि वॉल्यूम कंडक्टर का काम करता है। अब ये लो इंटेंसिटी करंट को पिक किया जाता है
एक सूटेबल इलेक्ट्रोड्स बॉडी के साथ लगा दिए जाते हैं जो कि इस इलेक्ट्रिकल करंट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, और वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ऊपर रिकॉर्ड हो जाता है और ग्राफिकल पेपर उसको उसकी वेव्स को शो कराता है। डच फिजियोलॉजिस्ट एंथोमन विलियम, जिसने इसको इन्वेंट किया ईसीजी को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट मशीन बाय विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज इज हॉट और आर रिकॉर्डेड। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द रिकॉर्ड और ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट विच अकर्स प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ मैकेनिकल एक्टिविटीज। इट इज द समड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ऑल कार्डिक मसल फाइबर्स रिकॉर्डेड फ्रॉम सरफेस ऑफ द बॉडी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसके अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो कि हार्ट की हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये जो मैकेनिकल एक्टिविटी हार्ट के अंदर होती है, तो इससे जस्ट पहले जो इसकी समेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, हार्ट के मसल्स की, हार्ट के मसल फाइबर्स की, वो बॉडी की सरफेस के ऊपर से उनको रिकॉर्ड किया जाता है और वो फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से उनको स्टडी किया जा सकता है। यूजेस ऑफ ईसीजी, अब ईसीजी है ये डायग्नोस करने के लिए कंडीशंस डिफरेंट जो हार्ट की होती हैं, उनमें हार्ट रेट है, हार्ट रिदम है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, पुअर ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल है, हार्ट अटैक, क्रोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट चैम्बर्स। इन सारी कंडीशंस को मेजर करने के लिए, इन सारी कंडीशंस को देखने के लिए ईसीजी जो है उससे पता चलाया जा सकता है, और इन कंडीशन को ईसीजी के ज़रिए डायग्नोस किया जा सकता है। अब ईसीजी, इसको रिकॉर्ड करने के लिए जो पेपर यूज़ किया जाता है उसे ईसीजी मशीन कहते हैं। ईसीजी मशीन जो होती है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती है और फिर उनको जो कि हार्ट से आ रहे होते हैं, और फिर उनको ईसीजी पेपर जो कि उसके अंदर मूव करता है, उसको वेव्स की फॉर्म में इन सिग्नल्स को शो कराया जाता है। अब ईसीजी जो पेपर होता है उसके ऊपर ग्रिड लाइंस लगी होती हैं, और ये लाइंस पेपर के ऊपर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लगी होती हैं, और इनके अंदर जो इंटरवल होता है वो 1 मिलीमीटर होता है, और ये जो हर लाइन होती है, हर फिफ्थ लाइन ये 5 मिलीमीटर थिक होती है। ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट ईसीजी वेव्स इज प्लॉटेड हॉरिजेंटली ऑन एक्स एक्सिस। अब ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये हॉरिजेंटली प्लॉट होता है एक्स एक्सिस के, और ये जो 1 मिलीमीटर होता है ये तकरीबन इक्वल होता है 0.04 सेकेंड के, और 5 मिलीमीटर इक्वल होता है 0.20 सेकेंड के। अब ये जो प्लॉट होंगी वेव, तो वो जो 1 मिलीमीटर की वेव होगी, तो वो उसका ये मीनिंग होगा कि 0.04 सेकेंड उसका टाइम ड्यूरेशन है, और जो 5 मिलीमीटर की वेव होगी तो उसका ये मीनिंग होगा कि ये 0.20 सेकेंड इसका टाइम ड्यूरेशन है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ ईसीजी वेव्स इज प्लॉटेड वर्टिकली ऑन वाई एक्सिस। अब ये जो एम्पलीट्यूड होता है ये वाई एक्सिस पे प्लॉट होता है। अब 1 मिलीमीटर अगर प्लॉट होगा तो इसका ये मीनिंग होगा कि एम्पलीट्यूड 0.1 मिली वोल्ट है, और अगर 5 मिलीमीटर एम्पलीट्यूड प्लॉट होगा, एम्पलीट्यूड की वेव ड्रा होगी, तो ये इसका ये मीनिंग होगा कि 0.5 मिली वोल्ट इसका एम्पलीट्यूड है। स्पीड ऑफ द पेपर, मूवमेंट ऑफ पेपर, अब ये जो मूवमेंट होती है पेपर की, ये तकरीबन 25 मिलीमीटर पर सेकंड से 55 मिलीमीटर पर सेकंड होती है। अब ये यूजली तकरीबन 25 मिलीमीटर पर फिक्स होती है, लेकिन अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो तो फिर इसकी स्पीड ज़्यादा कर दी जाती है, वो तकरीबन 50 मिलीमीटर पर सेकंड इसकी पेपर की मूवमेंट की स्पीड कर दी जाती है। ईसीजी लीड्स, अब ईसीजी में जो उनसे लीड्स यूज होती हैं और उनके ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जो बॉडी के सरफेस के साथ लगा दिए जाते हैं, तो उनको ईसीजी लीड कहा जाता है। और ये ईसीजी लीड एक तरफ बॉडी की सरफेस के साथ लगी होंगी, दूसरी ये ईसीजी मशीन के साथ कनेक्ट होंगी, जो कि जो इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं उनको ईसीजी
जो लीड्स हैं वो लेके आएंगी मशीन्स के अंदर, और मशीन उनको एम्पलीफाई करके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में शो कराएगी। इलेक्ट्रोड आर फिक्स ऑन द लिम्ब्स, यूजली राइट आर्म, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग आर चोजन। अब इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, वो जो लीड्स होती हैं वो उनके आगे इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो कि लिम्ब्स के साथ लगाए जाते हैं, जिनमें राइट आर्म के साथ लगा दिया जाता है, इसी तरह लेफ्ट आर्म के जरिए के साथ लगा दिया जाता है, और फिर लेफ्ट लेग उसमें चूज की जाती है। तो राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के साथ इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। तो ये इस तरह की जो एक ट्राइंगल शेप बनेगी, तो ये इसकी वजह से जो हार्ड है वो मिड में आ जाएगा। इस ट्राइंगल को एंथोवन ट्राइंगल भी कहते हैं। इस फॉर्म के अंदर जैसे ये लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट लेग, यहाँ जो है ये इलेक्ट्रोड्स, ये जो लीड्स हैं उनके आगे इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, ये लगा दिए गए हैं, तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा और उसके मिड के अंदर ये हार्ट आ जाएगा। एंथोवन ट्राइंगल, एंथोवन लॉ, इट इज एन इक्वल लेटरल ट्राइंगल दैट इज यूज्ड एज ए मॉडल ऑफ स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स यूज्ड टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हार्ट इज प्रज्यूम टू लाई इन द सेंटर ऑफ एंथोवन ट्राइंगल। अब इसके अंदर ये बात की जा रही है कि ये जो लीड लगाई जाती हैं जिसके जरिए रिकॉर्ड किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को, तो उनके जो हार्ट है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये हार्ट से जनरेट होगा, तो ये जो तीनों लिम्ब्स हैं, तो वहाँ जैसे लेफ्ट आर्म होगी, राइट आर्म होगी, लेफ्ट लेग होगी, तो ये यहाँ पे उनके जो पहुँचेगा तो ये बैक वक्त इन सब में पहुँचेगा जो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हार्ट से जनरेट हो रहा है। अब इसके अंदर 12 लीड्स यूज की जाती हैं जिनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। उनमें एक बाईपोलर लीड्स होती हैं, दूसरी यूनिपोलर लीड्स होती हैं। बाईपोलर लिम्ब लीड्स आर अदरवाइज नाउन एज स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स। टू लिम्ब्स आर कनेक्टेड टू ऑब्टेन दीज लीड्स एंड बोथ इलेक्ट्रोड्स आर एक्टिव रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड्स। दैट इज वन इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। अब ये जो बाईपोलर लिम्ब लीड्स होते हैं इनको स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स भी कहा जाता है, और टू लिम्ब्स इनके साथ कनेक्ट किए जाते हैं और इनके जो एंड हैं वहाँ इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होता है और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। स्टैंडर्ड लिम्ब उन तीन टाइप्स में इनको डिवाइड किया जाता है, उनमें लिम्ब लीड वन है, लिम्ब लीड टू है, लिम्ब लीड थ्री है। अब लीड वन ये राइट आर्म के साथ लगाई जाएगी, वो नेगेटिव टर्मिनल होगा, और जो लेफ्ट आर्म के साथ लगाया जाएगी वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा। लीड टू ये जो राइट आर्म के साथ लगेगी और लेफ्ट लेग के साथ लगेगी, राइट आर्म के साथ लगेगी वो नेगेटिव टर्मिनल होगा, लेफ्ट लेग के साथ लगेगी तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा। लीड थ्री ये लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के साथ लगाई जाएगी, लेफ्ट लेग के साथ लगेगी नेगेटिव टर्मिनल होगा और लेफ्ट लेग के साथ पॉजिटिव टर्मिनल लगेगा। अब यहाँ देखें कि लीड वन लगी है और ये यहाँ इसका पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है और इसका नेगेटिव टर्मिनल राइट आर्म के साथ आ रहा है। लीड थ्री लगी है तो नेगेटिव टर्मिनल इसका लेफ्ट आर्म के साथ आ रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल इसका लेफ्ट लेग के साथ आ रहा है। इसी तरह लीड टू है, इसमें इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है लेफ्ट लेग के साथ लगा हुआ है और इसका नेगेटिव टर्मिनल राइट आर्म के साथ लगा हुआ है। यूनिपोलर लीड्स, वन इलेक्ट्रोड इज एक्टिव इलेक्ट्रोड एंड द अदर वन इज एन इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव एंड द इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड इज सर्विंग एज ए कंपोजिट नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब इसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, एक तो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और एक इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड इसमें यूज किया जाता है जो कि कंपोजिट नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तौर पे सर्व करता है। कंपोजिट जो इलेक्ट्रोड होता है वो जो डिफरेंट मेटल से मिलकर बना हो उसे कंपोजिट इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब ये जो यूनिपोलर लीड्स होती हैं दो तरह की होती हैं, उनमें एक यूनिपोलर लिम्ब लीड्स होती है, दूसरी जो यूनिपोलर चेस्ट लीड्स होती हैं।
यूनिपोरल लिम्ब लीड्स, ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स और ऑगमेंटेड वोल्टेज लीड्स भी इनको कहा जाता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड इसके साथ लिम्ब्स के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, और इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स ये दूसरे लिम्ब के साथ, अदर जो टू लिम्ब्स हैं उनके साथ कनेक्ट किए जाएंगे, और इसमें जो है रेजिस्टेंस के ज़रिए कनेक्ट किए जाएंगे। इनके दरमियान रेजिस्टेंस लगी होगी। यूनिपोरल लिम्ब लीड ये तीन तरह की होती हैं, जिसमें नंबर वन पे एवीआर लीड है। अब एवीआर लीड के जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं ये राइट आर्म के साथ होते हैं, और इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड ये कनेक्टेड होते हैं लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के साथ। नंबर टू पे एवीआर लीड है, इनके जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं ये लेफ्ट लेग आर्म के साथ होते हैं, और इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड ये कनेक्टिंग इनकी जो होती है वो राइट आर्म और लेफ्ट लेग के साथ होती है। एवीएफ लीड, इनमें जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं ये लेफ्ट लेग के साथ एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं, और इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड ये टू अपर जो लिम्स होते हैं उन दोनों के साथ इनका कनेक्शन होता है। ये इस तरह, ये जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, तो इस तरह ये कनेक्ट होंगे। यूनिपोलर चेस्ट लीड्स, इनको वी लीड्स भी कहा जाता है या फिर प्री कार्डियल चेस्ट लीड्स भी कहा जाता है। इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग द थ्री लिम्स, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग एंड राइट आर्म थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 5000 ओहम्स। अब ये रेजिस्टेंस के साथ, ये रेजिस्टेंस के ज़रिए जो इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये कनेक्ट किए जाते हैं लेफ्ट आर्म के साथ, लेफ्ट लेग के साथ और राइट आर्म के साथ। और जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं ये 6 पॉइंट्स चेस्ट के ऊपर इनको कनेक्ट किया जाता है। अब ये इन इलेक्ट्रोड को चेस्ट इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, और इनमें जो 6 पॉइंट हैं वो V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 और V6 है। V जो इंडिकेट किया जा रहा है वो वेक्टर को इंडिकेट किया जा रहा है जो कि करंट फ्लो की डायरेक्शन को शो करा रहे हैं। अब ये जो पोजीशन है इसकी, जो चेस्ट लीड्स की, तो V1, ये जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती है नियर राइट स्टर्नल मार्जिन के, उस जगह पे इसको प्लेस किया जाता है। जैसे ये वाली, ये जो रिब्स है, ये जो इसके अंदर जो स्पेस होती है उसे इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। तो ये 1, 2, तो इसी तरह ये फोर्थ के ऊपर, ये इधर इस जगह पे ये आ जाएगा, इसको प्लेस करेंगे। V2 ओवर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर लेफ्ट स्टर्नल मार्जन। अब ये जो V1 थी ये राइट साइड पे थी, फिर उसके सामने ये जो स्पेस है, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 4 के ऊपर ये जो मार्जिन है इसका, उस जगह पे लेफ्ट साइड पे इसको लगाया गया। V3 इन बिटवीन V2 एंड V4। अब ये जो V3 है ये इस जगह पे इसको प्लेस करेंगे, ये वाली जगह पे। V4 है ये लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन दी मिड क्लेविकुलर लाइन। अब ये देखें कि ये इस यहाँ पे इसको इस स्पेस के ऊपर इस जगह पे ये तकरीबन इसकी मिड लाइन बन जाती है, वहाँ पे इसको प्लेस किया जाएगा। इसी तरह जो V5 है ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन दी एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ये इस जगह पे एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है, वहाँ पे इसको प्लेस करेंगे फिफ्थ इंटरकोस्टल। V6 है ओवर लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द मिड एक्सिलरी लाइन, ये जो 5 थी एंटीरियर पे और ये मिड एक्सिलरी लाइन 6 पे इसको प्लेस करेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वी लीड्स हैं जिनको इन जगह पे प्लेस करेंगे। वेव्स ऑफ नॉर्मल ईसीजी। अब ये जो इसके अंदर वेव्स होती हैं नॉर्मल ईसीजी के अंदर, वो जो ईसीजी कंसिस्ट करता है वो वेव्स के ऊपर, कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर, इंटरवल्स के ऊपर और सेगमेंट्स के ऊपर, ये जो वेव्स हैं वो
कंसिस्ट करती हैं। इसको आगे रीड करते हैं। अब ये जो वीव्स होती हैं, ये जो ईसीएमजी मशीन के जरिए उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो जो लिम्ब लीड टू होती है ये टिपिकल वेव्स होती हैं, और जो नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है उसके अंदर जो वेव्स होती हैं उनको पी क्यू आर एस एंड टी कहा जाता है। अब ये जो इंथोमन है, ये इसने नेम दिया गया इन वेव्स को ईसीजी। ईसीजी वेव्स का नेम जो इंथोमन ने दिया, तो उसको इसने जो अल्फाबेट्स पी है इससे स्टार्ट किया, और उसने बिगनिंग ए है उससे स्टार्ट नहीं किया। तो इंथोमन ने इन वेव्स का नेम दिया, और ये तब से वैसे ही इनका पी क्यू आर एस टी नेम चल रहा है। अब ये जो इसके अंदर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो जैसे पी वेव इसका एक कॉम्प्लेक्स है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, इसी तरह इसके अंदर टी वेव है, क्यू आर एस टी है। तो ये आगे जो पी वेव है वो एट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ रिलेट करता है, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स के साथ रिलेट कर रहा है। इसी तरह टी वेव है ये फाइनल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स के साथ रिलेट कर रहा है, क्यू आर एस टी ये वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स के साथ रिलेट कर रहा है। अब इस स्लाइड जो है इसके अंदर पी वेव के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। पी वेव एक पॉजिटिव वेव होती है जो कि फर्स्ट ईसीजी वेव होती है, इसे एट्रियल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। पी वेव जो एट्रियल मस्कुलेचर है उसकी जो डीपोलराइजेशन होती है, तो डीपोलराइजेशन की वजह से ये पी वेव जनरेट होती है। एट्रियल मस्कुलेचर इसके अंदर जो डीपोलराइजेशन होती है तो उसकी वजह से पी वेव जनरेट होती है। ये डीपोलराइजेशन ये एसए नोड जो है ये यहाँ से शुरू होती है और एट्रियल मस्कुलेचर इसके अंदर स्प्रेड कर जाती है। अब ये जो एट्रियल रिपोलराइजेशन है ये सेपरेट रिकॉर्ड नहीं होती, ये मर्ज हो जाती है जो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है उसके जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर। अब ये जो पी वेव है इसका ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड होता है, और इसका जो एम्पलीट्यूड होता है ये 0.12 मिलीवोल्ट तक होता है। अब इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो पी वेव ये नॉर्मली पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव का ये मीनिंग है कि ये जो वेव होगी अपराइट की तरफ जा रही होगी। अब इसके अंदर जो लीड्स इंक्लूड होती हैं वो 1, 2, AVF, V4, V5 और V6 इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ये जो पी वेव होती है ये नेगेटिव होती है, इन्वर्टेड होती है जो AVR है उसके अंदर, और ये जो बाकी लीड्स हैं उसके अंदर ये वेरिएबल है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, बाईफेजिक हो सकती है, फ्लैट हो सकती है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पी वेव। अब ये क्लिनिकली जो पी वेव है ये अगर इसमें जो वेव है इसके अंदर जो वेरिएशन आ जाती है, ये जो ग्राफ के ऊपर ड्रा हुई पड़ी है, तो ये वेव इंडिकेट करती है कुछ कंडीशंस को जिसको हम सीक्वेंस के अंदर डिस्कस करते हैं। तो नंबर वन पे है राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी। राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी जो एट्रिया है इसका साइज इंक्रीज कर जाता है, इसके अंदर जो पी वेव है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, टाल हो जाती है, और ये लीड टू के साथ मिली हुई होती है। इसी तरह नंबर टू पे लेफ्ट एट्रियल डायलिटेशन और हाइपरट्रॉफी। अगर जो लेफ्ट एट्रिया है उसका साइज़ इंक्रीज हो जाए तो उसके अंदर जो पी वेव होगी वो टाल हो जाएगी, ब्रॉड बेस हो जाएगी, एम शेप हो सकती है। नंबर थ्री पे एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टोल। जो प्री मेच्योर ये जो सिस्टोल होता है, कंट्रैक्शन होती है, तो उसे एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टोल कहते हैं। तो इसके अंदर जो पी वेव होगी वो स्मॉल हो सकती है, शेपलेस हो सकती है। हाइपरकलीमिया। अगर पोटाशियम का लेवल इंक्रीज हो जाए तो पी वेव एब्जेंट हो सकती है और या स्मॉल हो सकती है। एट्रियल फाइब्रिलेशन। अगर जो एट्रिया है इसके अंदर जो कंट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए तो पी वेव एब्जेंट हो सकती है। मिडल एवी नोडल रिदम। मिडल एवी नोडल रिदम इसके अंदर जो पी वेव है वो एब्जेंट हो जाएगी। इसी तरह साइनो एट्रियल, अगर कोई ब्लॉकेज हो जाती है ऐसे साइनो एट्रियल में, तो
आगे जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं जा रहा वेंट्रिकल्स की तरफ, तो पी वेव इन्वर्ट हो सकती है या एब्सेंट हो सकती है। इसी तरह एट्रियल प्रोक्सिमल टैकीकार्डिया है, इस कंडीशन के अंदर जो एट्रिया है उसकी जो बीट है वो बहुत तेज़ हो जाती है, तो उसके अंदर पी वेव इन्वर्ट हो जाएगी। लोअर एवी नोडल रिदम, इसके अंदर जो पी वेव अपेयर होगी वो QRS कम्प्लेक्स के बाद होगी। लोअर एवी नोडल रिदम, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो प्रोड्यूस होती है या एवी नोड के ऊपर से करीब से, या एवी नोड जो एट्रोवेंट्रिकुलर नोड होता है एट्रोवेंट्रिकुलर उससे बाद में, और ये जो मिडल एवी नोडल रिदम होता है तो ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस होती हैं। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वहाँ से प्रोड्यूस होने की बजाय ये अदर देन ऐसे नोड से प्रोड्यूस होंगी। QRS कम्प्लेक्स, इसको इनिशियल वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। अब क्यू वेव जो है वो स्मॉल नेगेटिव वेव होती है, ये इन्वर्टेड वेव होती है, इसलिए इसे नेगेटिव वेव कहा गया है। और ये आगे आर आर वेव के साथ जो कि टाल वेव होती है उसके साथ मिल रही होती है, जो कि एक पॉजिटिव वेव है जो कि अपराइट जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। अब आर वेव है ये जो एस वेव है उससे आगे मिल रही होती है। ये जो QRS कम्प्लेक्स बनता है तो वेंट्रिकुलर जो मस्कुलेचर है उसकी जो डीपोलराइजेशन होती है, तो उससे ये आगे QRS कम्प्लेक्स स्टार्ट होता है। अब क्यू वेव है जो इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, तो उसका जो बेसिक पोर्शन होता है वहाँ से डीपोलराइजेशन होती है, तो क्यू वेव जनरेट होती है। इसी तरह जो एपिकल पोर्शन होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का और एपिकल पोर्शन वेंट्रिकुलर मसल का, तो वहाँ डीपोलराइजेशन होती है, उसकी वजह से आर वेव जनरेट होती है। अब ये वेंट्रिकुलर मसल का जो बेसिक पोर्शन होता है जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग के करीब होता है, तो वहाँ से उसकी जो डीपोलराइजेशन होती है तो वहाँ से एस वेव प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह एक पूरा एक QRS कम्प्लेक्स बनता है। QRS कम्प्लेक्स इसका ड्यूरेशन 0.08 to 0.10 सेकेंड तक होता है। अब इसका जो एम्पलीट्यूड होता है क्यू वेव का वो 0.12 to 0.2 mV होता है, और आर वेव का एम्पलीट्यूड 1 mV होता है। इसी तरह जो एस वेव है उसका एम्पलीट्यूड 0.4 mV होगा। अब इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है उसकी भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, जिससे पता चलता है कि हार्ट में कौन सी एबनॉर्मेलिटी है। क्यू वेव इज नॉर्मली स्मॉल विद एम्पलीट्यूड ऑफ 4 mm आर लेस, इट इज़ लेस देन 25% ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ आर वेव इन लीड्स 1, 2 AVL, V5 and V6। अब ये जो नॉर्मली जो क्यू वेव होती है ये स्मॉल एम्पलीट्यूड वाली होती है, जिसका एम्पलीट्यूड 4 mm या इससे कम होता है। अब ये जो आर वेव होती है उससे तकरीबन 25% लेस होती है, और ये जो रिमेनिंग लीड पर आती है, जो आर वेव लीड का बताया गया है 1, 2 AVL, V5 and V6 से जो आर वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो रिमेनिंग वेव से इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो 0.2 mm कम होता है। अब ये जो चेस्ट लीड होती हैं जैसे V1, V2, V3, V4, V5, V6, तो इनकी वजह से जो आर वेव होती है वो ग्रेजुअली लार्ज होती है, लार्ज ड्रा होती है। अब ये जो V6 होती है ये इसके अंदर स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू V5। एस वेव लार्ज होती है V1 से और लार्जर होती है V2 पे, यानी V1 पे उसका साइज़ कम होगा एस वेव का, और V2 पे उसका साइज़ इंक्रीज हो जाएगा, और V3 to V6 ये स्मॉल हो जाती है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता है। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की QRS की बात की गई है, तो इसे कई जो कार्डिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डायग्नोस करने के लिए QRS कम्प्लेक्स यूज़ किया जाता है। QRS कम्प्लेक्स को, इसके पैटर्न को इंटरप्रेट करने से कार्डिक प्रॉब्लम्स डायग्नोज होती हैं। उसमें बंडल ब्रांच ब्लॉक है, बंडल ब्रांच ब्लॉक के ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो कि एस ए नोड वहाँ से प्रोड्यूस होती है और आगे स्प्रेड होती है, तो ब्लॉकेज अगर कहीं होगी तो वो उसके अंदर फिर QRS कम्प्लेक्स प्रोलोंग हो जाएगा या डी फॉर्म हो जाएगा।
नंबर टू पे जो कंडीशन है हाइपरकलीमिया, अगर पोटाशियम का लेवल नॉर्मल से इंक्रीज़ कर जाएगा तो QRS प्रोलोंग हो जाएगी। अब ये एक QRS कम्प्लेक्स को बताया गया है, ये इसके अंदर ये इसका ऊपर की तरफ एम्पलीट्यूड है और ये फिर उसका टाइम है। ये जो ऊपर आ रहा है 0.50 0.5 +1 +1.0 1.5 प्लस, तो ये एम्पलीट्यूड है और ये इस तरफ इसके सेकंड्स को इंडिकेट किया गया। इस तरह एक QRS कम्प्लेक्स बनता है, ECG वेव्स जनरेट होती हैं। अब ये यहाँ एक नॉर्मल ECG का बताया गया है और साथ इसकी इंडिकेशन की गई है कि कौन सी वेव, उनका नेम क्या है और वो किस जगह होती है। अब ये देखें कि ये डिफरेंट इधर लिखा गया, इधर P वेव होती है, ये Q वेव होती है, इस तरह R वेव होती है, S वेव होती है और फिर आगे साथ उनके सेगमेंट्स दिखाए गए हैं। अब ये आगे ये यहाँ से लेके इस जगह तक ये PR इंटरवल होता है और यहाँ से लेके इस जगह तक, ये इस जगह से लेके इस जगह तक QRS कम्प्लेक्स होता है और फिर उसके बाद ये यहाँ से लेके इधर तक इस, ये QT इंटरवल इसको कहते हैं। ये जो टी वेव होती है ये फाइनल वेंटिकुलर कम्प्लेक्स ये इससे रिलेट करती है और एक पॉजिटिव वेव होती है। अब ये जो वेंटिकुलर मस्कुलेस है इसके अंदर जो रिपोलराइजेशन होती है उसकी वजह से टी वेव प्रोड्यूस होती है। इसका जो ड्यूरेशन होता है 0.2 सेकेंड होता है, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है 0.3 mV इसका एम्पलीट्यूड होता है। अब इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो जो टी वेव है, एक पॉजिटिव वेव है, ये अपराइट की तरफ जाती है और ये 1, 2, V5 और V6 जो लीड्स होती हैं उनसे ये प्रोड्यूस होती हैं। जो AVR लीड होती है उसमें ये इन्वर्टेड होती है और इसी तरह वेरिएबल करती है डिफरेंट लीड्स में, और इसी तरह ये पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्लैट हो सकती है, वो डिपेंड करता है कार्डिक कंडीशंस के ऊपर। अब इसकी जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है तो ये वेरिएशन होती है इसका जो ड्यूरेशन है एम्पलीट्यूड और मॉर्फोलॉजी के अंदर के जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं कार्डियक की, तो उसके अंदर ये जो वेव है ये चेंज हो जाती है, ये इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन एम्पलीट्यूड मॉर्फोलॉजी नॉर्मल नहीं रहता। अब ये जो कंडीशन है उसमें एक्यूट मायोकार्डियल इस्कीमिया है। एक्यूट मायोकार्डियल इस्कीमिया ये कहते हैं कि जो हार्ट को, हार्ट के मसल को ब्लड की सप्लाई वो कम हो जाती है या रुक जाती है, तो उसे एक्यूट मायोकार्डियल इस्कीमिया कहते हैं। तो उसके अंदर जो हाइपर एक्यूट टी वेव डिवेल्प्स होती है, हाइपर एक्यूट जो टी वेव्स होती है ये टाल और ब्रॉड बेस्ड टी वेव होती है। नंबर टू, ओल्ड एज हाइपर वेंटिलेशन या इसी तरह एग्जाइटी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड पेरिकार्डाइटिस। इन कंडीशंस के अंदर जो टी वेव होती है वो स्मॉल हो जाती है, फ्लैट होती है या फिर इन्वर्टेड हो जाती है। हाइपर वेंटिलेशन इस तरह जो एग्जाइटी होती है या फिर मायोकार्ड इन्फेक्शन है, मायोकार्ड इन्फेक्शन कहते हैं कि जो हार्ट के मसल हैं उनको जो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है या रुक जाती है, जो क्रोनरी आर्टरीज उनको ब्लड सप्लाई करती हैं, तो क्रोनरी आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं हार्ट के मसल को तो उनमें किसी किस्म की ब्लॉकेज हो जाती है। इस वजह से जो मायोकार्डियम है, जो हार्ट का मसल है, उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है या वो डेड हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को मायोकार्ड इन्फार्क्शन कहते हैं। सारा हार्ट का मसल नहीं होता, जिस पोर्शन को ब्लड की सप्लाई रुकती है सिर्फ वही अफेक्टेड होता है। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं जो वेंट्रिकल्स हैं लेफ्ट साइड वाला, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, उसकी वॉल्स थिक हो जाती हैं। इसी तरह जो पेरिकार्डाइटिस है, पेरिकार्डियम जो लेयर होती है इसकी हार्ट मसल की, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इन सब कंडीशंस के अंदर जो टी वेव है स्मॉल हो सकती है, फ्लैट हो सकती है या फिर इन्वर्टेड हो सकती है। हाइपोकलीमिया, पोटाशियम का लेवल अगर कम हो जाए तो टी वेव स्मॉल हो सकती है, फ्लैट हो सकती है या फिर इन्वर्टेड हो सकती है। हाइपरकलीमिया अगर पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो जाए तो टी वेव टाल हो सकती है, टेंटिड हो सकती है। टेंटेड का जो वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है, जैसे एक टेंट होता है उसकी शेप होती है, तो उस तरह की टी वेव हो सकती है।
अब ये जो यू वेव होती है ये हमेशा नज़र नहीं आती, और ये ईसीजी की इनसिग्निफिकेंट फेज होती है। अब ये जो पाइपलरी मसल होते हैं हार्ट के अंदर, तो उनकी जो रिपोलराइजेशन होती है, तो उसकी वजह से ये यू वेव जनरेट होती है। अब कुछ कंडीशंस हैं जो ईसीजी वेव्स, जिसमें यू वेव्स नज़र आए, तो वो रिलेट करती हैं, जैसे हाइपर कैल्सीमिया है, अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाए तो ऐसी कंडीशन को हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस, अगर थायराइड ग्लैंड्स ज़्यादा हो जाएं, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाएं, जो कि टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करें, तो ऐसी कंडीशन को थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। हाइपोकलीमिया, अगर पोटाशियम का लेवल कम हो जाए, तो ये कुछ कंडीशन है जिसके अंदर यू वेव अपेयर होती है, और हाइपोकलीमिया के अंदर ये मोर प्रोमिनेंट होती है। मायोकार्डियल इस्कीमिया, इसके अंदर जो यू वेव प्रोड्यूस होगी ये इन्वर्टेड यू वेव प्रोड्यूस होगी। इंटरवल्स एंड सेगमेंट्स ऑफ ईसीजी, अब ये कुछ इंटरवल हैं जो हमने, मतलब कि ये कुछ इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, जो कि ऑलरेडी हमने इनकी डायग्राम देखी थी। जैसे ये PR इंटरवल है, QRS कम्प्लेक्स है, QT इंटरवल है, तो इनकी इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि इनके क्या इंपॉर्टेंस है, इनका ड्यूरेशन कितना होता है। अभी जो PR इंटरवल होता है, ये जो इंटरवल होता है ये P वेव से लेके फिर ये Q वेव के शुरू होने तक होता है। PR इंटरवल, ये इनकी इसकी जो सिग्निफिकेंस होती है, ये जो एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रही है और जो इम्पल्सिस की कंडक्शन हो रही है AV नोड से, तो ये उससे रिलेट करता है। अब ये जो इट शोज द ड्यूरेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ द इम्पल्सिस फ्रॉम SA नोड टू वेंटिकल्स थ्रू एट्रियल मसल एंड AV नोड। अब ये जो कंडक्शन हो रही है SA नोड से, जो इम्पल्सिस प्रोड्यूस हो रही हैं, वो एट्रियल मसल से फिर आगे एट्रोवेंट्रिकुलर नोड वहाँ तक पहुँच रही हैं, तो उसको ये शो कराता है। अब ये जो एट्रिया के अंदर डीपोलराइजेशन होगी, तो पी वेव उसको शो कराएगी, और इसी तरह जो शॉर्ट आइसोइलेक्ट्रिक, जिसे जीरो वोल्टेज भी कहा जाता है, जो पीरियड होता है, जो पी वेव के एंड होने पे ये जो टाइम टेकन होता है, इसको इस इंटरवल के अंदर शो कराया जाता है। अब इसके अंदर जो AV नोड है, जो डीपोलराइजेशन है, वो AV नोड इसका जो पासेज टाइम है डीपोलराइजेशन से, वो इस इंटरवल में रिप्रेजेंट होगा। अब इसका जो PR इंटरवल है, इसका जो ड्यूरेशन होता है 0.18 सेकेंड होता है, और ये वेरीज करता है 0.12 एंड 0.2 सेकेंड के। अगर ये जैसे 0.2 सेकेंड है, इससे ज़्यादा हो इसका जो ड्यूरेशन है वो हो जाए, तो इसका ये मतलब है जो कंडक्शन है ये SA नोड से वेंटिकल की तरफ जो कंडक्शन हो रही है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की, वो डिले हो रही है। अब ये जो डिले होगी, तो इसे AV नोडल डिले कहते हैं। अब ये जो PR इंटरवल है, ये इसके अंदर इसके जो ड्यूरेशन के अंदर वेरिएशन हो रही है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसको ये इंडिकेट करती है। ब्रैडीकार्डिया कहते हैं, ये जो हार्ट रेट है अगर कम हो जाए नॉर्मल से, तो ऐसी कंडीशन को ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। ब्रैडीकार्डिया के अंदर जो PR इंटरवल है ये कम हो जाता है, और ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन के अंदर जो SA नोड से एट्रोवेंट्रिकुलर की तरफ ये इम्पल्सिस जा रही हैं, तो वो स्लो हो जाती हैं। अब ये जो इंटरवल होता है PR इंटरवल, जब टैकीकार्डिया हो, टैकीकार्डिया कहते हैं, ये हार्ट के जो रेट है वो नॉर्मल से इंक्रीज कर जाता है, तो ऐसी कंडीशन को टैकीकार्डिया कहते हैं। वोल्ट पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, इसके अंदर जो पाथवे होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस का पाथवे, जो एक नॉर्मल पाथवे है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा पाथवे होता है। मीन के ये कॉन्जेनिटल डिजीज है। लॉन गेनोंग लेविन सिंड्रोम, इस सिंड्रोम जो है इसके अंदर जो जैसे पाथवे है, जैसे SA नोड से शुरू होता है और फिर आगे AV नोड से आगे फिर वेंट्रिकल तरफ जाता है, तो ये SA नोड से शुरू होके
एट्रिया से वेंट्रिकल डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस इस डिजीज़ के अंदर जाती हैं। डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये मसल डिस्ट्रॉफी की एक टाइप है जिसके अंदर मसल्स डैमेज होते हैं। एंड टाइप 2 कोलेजन स्टोरेज डिजीज़, तो इन जो डिजीज़ है इसके अंदर जो PR इंटरवल है ये शॉर्ट हो जाता है। QT इंटरवल, QT इंटरवल इज़ द इंटरवल बिटवीन द ऑनसेट ऑफ Q वेव एंड द एंड ऑफ T वेव। अब Q से ये इंटरवल शुरू होता है और ये जो T वेव है उसके एंड तक ये चलता है। ये वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंटिकुलर जो डीपोलराइजेशन होती है जो QT इंटरवल इसको इंडिकेट करता है। अब इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो 0.42 सेकेंड होता है। और इसके जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है जैसे मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है, मायोकार्डाइटिस है, मसल की इन्फ्लेमेशन, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोथायरायडिज्म, तो इन कंडीशन के अंदर जो QT इंटरवल है वो प्रोलोंग हो जाता है। अब ये जो QT इंटरवल है ये शॉर्ट हो जाएगा, तो ये QT सिंड्रोम है, इसमें हाइपरकैल्सीमिया है, इसके अंदर जो QT इंटरवल है वो शॉर्ट हो जाता है। ST सेगमेंट, अब ये जो टाइम इंटरवल है ये जो S वेव इसके एंड होने से आके जो T वेव है वो उसके ऑनसेट होने से जो टाइम ड्यूरेशन होता है, एक इंटरवल होता है, उसको ST सेगमेंट कहते हैं। अब इसके अंदर J पॉइंट है, अब J पॉइंट है ये जो ST सेगमेंट जहाँ से स्टार्ट होता है उसको J पॉइंट कहते हैं। अब ये जो जंक्शन होता है QRS कम्प्लेक्स और ST सेगमेंट्स के बीच में, ड्यूरेशन ऑफ ST सेगमेंट्स ये 0.08 सेकेंड होता है। अब इसके जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, तो अगर ST सेगमेंट्स इलिवेट होगा तो उसके अंदर एंटीरियर या फिर इन्फीरियर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो रहा है। इसी तरह लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक या फिर एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है। ये जो एथलीट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके अंदर जो ST सेगमेंट्स होता है वो इलिवेट होता है। रिप्रेशन ऑफ ST सेगमेंट्स, ये एक्यूट मायोकार्डियल इस्कीमिया के अंदर इस तरह पोस्टीरियर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन उसके अंदर हो सकता है। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और हाइपोकलीमिया, इनके अंदर ये इन कंडीशंस के अंदर ये हो सकता है, ये जो ST सेगमेंट्स हैं इसकी जो डिप्रेशन है वो हो सकती है। हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन के अंदर जब कैल्शियम का लेवल कम होगा तो ST सेगमेंट्स प्रोलोंग हो सकता है। इसी तरह कैल्शियम, अगर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा तो ST सेगमेंट्स शॉर्टन होगा, कम होगा। RR इंटरवल इज ए टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंजेक्टिव आर वेव्स। अब ये टू कंजेक्टिव जो आर वेव्स होती हैं उनके दरमियान जो इंटरवल होता है उसे RR इंटरवल कहते हैं। अब ये जो कार्डिक साइकिल होता है तो इसकी सिग्निफिकेंस कार्डिक साइकिल के ड्यूरेशन के अंदर होती है। नॉर्मली ये 0.82 सेकेंड होता है। अब ये जो जो सिग्निफिकेंस होती है ये हार्ट रेट और हार्ट रेट के अंदर जो वेरिएबिलिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए RR इंटरवल यूज़ होता है। हार्ट रेट इज़ कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द नंबर ऑफ आर वेव्स पर यूनिट टाइम। आर वेव्स ये यूनिट टाइम के अंदर जो इसको मेजर किया जाए तो हार्ट रेट को कैलकुलेट किया जा सकता है। टाइम इज प्लॉटेड हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस इंटरवल बिटवीन टू थिक लाइंस इज 0.2 सेकेंड। टाइम ड्यूरेशन फॉर 30 थिक लाइन इज 6 सेकेंड्स। नंबर ऑफ आर वेव्स QRS कम्प्लेक्स इन 6 सेकेंड 30 थिक लाइन्स इज काउंटेड एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 टू ऑब्टेन हार्ट रेट। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ECG पेपर हैज स्पेशल टाइम मार्किंग एट एवरी 30 सेकेंड, सो इट इज़ ईजी टू फाइंड द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 6 सेकेंड्स। अब ये जो ECG ग्राफ पेपर होगा तो उस पे ऊपर डिफरेंट लाइन्स ड्रा होती हैं। अब ये जो वेव्स बनेंगी और उसमें जो RR इंटरवल होगा तो उसके ज़रिए ये हार्ट रेट को कैलकुलेट किया जा सकता है। नंबर ऑफ आर वेव्स जो कि 6 सेकेंड्स के अंदर जितनी आर वेव्स आएंगी तो उसको काउंट किया जाएगा और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो हार्ट रेट इस तरह कैलकुलेट हो जाएगा। जो ECG पेपर होता है इसके बाद स्पेशल टाइम मार्किंग होती है, और हर 3 सेकंड के बाद
इसके लिए इजी होता है कि हार्ट रेट को कैलकुलेट किया जा सके। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी रेफर्स टू द बीट टू बीट वेरिएशन। अंडर रेस्टिंग कंडीशन द ईसीजी ऑफ हेल्थी इंडिविजुअल एग्जिबिट सम पीरियोडिक वेरिएशन इन आर इंटरवल्स। द रिदमिक फेनोमिनन इज नाउन एज रेस्पिरेटरी साइनस अरिथमिया सिंस इट फ्लक्चुएट्स विद द फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। आर इंटरवल डिक्रीजेज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। अब ये जो फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन होती हैं, तो जो हेल्दी पर्सन होता है उसके अंदर इंस्पायरेशन हो रही है, एक्सपायरेशन हो रही है कि वो एयर को इनहेल कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है, तो इस दौरान जो आर आर इंटरवल होगा वो, यानी उसके अंदर वेरिएशन आएगी। इंस्पायरेशन के अंदर जो आर आर इंटरवल होगा वो कम होगा और एक्सपायरेशन के अंदर जो आर आर इंटरवल है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है, ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर इसके ये सिग्निफिकेंस है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन हो, जैसे हाइपरटेंशन है, इसी तरह डायबिटीज़ मेलाइटस है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जैसे कि पैनिक सिचुएशन है या फिर एंग्जाइटी है। तो इन कंडीशंस के अंदर जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है वो कम हो जाती है।